तो यहाँ पर आप इस मोबाइल को देख सकते हैं। ये मोबाइल मैंने इसलिए लाया क्योंकि यहाँ पे जब भी हम कोई भी नंबर सेव करते हैं तो उसके अंदर कोई भी फोटो हम लगाना चाहते हैं या फिर कोई भी आइकन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई लोग ऐसे होते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको नाम पढ़ना नहीं आता है और उनको यदि किसी को कॉल करना है तो वो यहाँ पे फोटो देखते हैं, मतलब आइकन देखते हैं। अब यहाँ पे आइकन देख के वो किसी को भी कॉल कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे उनको कॉल करने में आसानी रहती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यदि आपको भी सेव किए हुए नंबर पर कोई भी फोटो या फिर आइकन लगाना है तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ, मैंने लावा कंपनी का जो मॉडल है जिसका नाम है जेम पावर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोबाइल लाया है, जो कि यहाँ पे मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि इसके अंदर एक कॉल रिकॉर्डिंग होती है, साथ में इसकी जो बैटरी है वो 10 दिन तक चलती है और स्क्रीन भी काफी बड़ी है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसके अंदर कोई भी हम नंबर सेव करते हैं तो नंबर पर हम कोई भी फोटो या फिर आइकन लगा सकते हैं, जिससे कि बिना पढ़े हुए लोग जो होते हैं वो किसी को भी कॉल कर सकते हैं केवल उस फोटो को देखकर या फिर उस आइकन को देखकर। अब इसके अंदर यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन मिलता है वो ये है कि आप यहाँ पे कोई भी सेव किए हुए नंबर पर कोई भी फोटो लगाना चाहते हैं, कोई भी आइकन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद आए वो यहाँ पर ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर आप कोई भी यदि आप अपने मोबाइल के अंदर से फोटो लेना चाहते हैं या फिर फोटो क्लिक करके यहाँ पे आप उस नंबर पर सेव करना चाहते हैं तो वो भी सेव कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बता लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये लावा का जेम पावर मोबाइल है। अब मान लीजिए कि कोई भी नंबर हम यहाँ पे सेव करते हैं, जैसे कि ये नंबर है। अब इसको सेव करने के लिए हमें ऑप्शन के अंदर जाने के लिए इस पे क्लिक करना होता है और इसके बाद हमें सेव टू फोन बुक पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे हमें जो भी नाम देना है वो नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये नाम लिखा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमें अब यहाँ से नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें मिलता है कॉलर पिक्चर, तो हमें इस पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे हमें यदि कैमरे से या फिर अपने मोबाइल के अंदर कोई फोटो क्लिक किया है वो यदि आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रॉम फाइल पर या फिर कैमरे से फोटो क्लिक कर सकते हैं। परंतु आप कोई भी आइकन लगाना चाहते हैं जिससे कि बिना पढ़े हुए जो लोग होते हैं उनको सेव किए हुए नंबर के बारे में पता चल सके तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जो भी फोटो रखना चाहते हैं जिससे कि वो नंबर को पहचान सके तो यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगता है केवल आपको वो ऐसे लेना है, उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। अब ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे आपको ये जो ऊपर का बटन दिया हुआ है आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आके यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है, जिससे कि यहाँ पे ये नंबर सेव हो जाता है। अब सेव किए हुए नंबर को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो बटन दिया हुआ है आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी लोग जो पढ़े लिखे नहीं है वो यहाँ पे इन फोटो को देखकर किसी को भी कॉल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।